बॉलीवुड फिल्म स्क्रीन राइटर और सलमान खान के वालिद सलीम खान ने मुंबई में 55 रुपए का कमरा किराए पर लेने का इंकशाफ किया है। वो अपने माजी के हवाले से डॉक्यूमेंट्री एंग्री यंग मैन की तशहीर के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान और इनके वालिद सलीम खान इन दिनों डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ एंग्री यंग मैन की प्रमोशन के लिए तकरीबात में शिरकत में मगन थे, जो कि 20 अगस्त को अमेज़ॉन प्राइम पर दिखाई गई। हालिया इंकशाफ के दौरान सलीम खान ने बताया कि करियर की शुरुआत में जब वो मुंबई आए तो इन्होंने 55 रुपये में आधा कमरा किराए पर लिया था। सलमान खान के साथ शादी के शुरुआती दिन अगरचा गरीबी के बायस मुश्किलात का शिकार थे, तहम दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। सलीम खान ने बताया, जब वो पहली बार मुंबई आए तो मैरिन ड्राइव पर मौजूद मेरीना गेस्ट हाउस में रिहाइश इख्तियार की, जिसका आधे कमरे का महाना किराया 55 रुपए था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पूरा कमरा 110 रुपए में किराए पर लूं, मगर ये मेरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। सलमान खान के वालिद ने मजीद बताया कि वो इंदौर की खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन करियर की खातिर मेरे पास कोई और दूसरी च्वाइस नहीं थी। वो बताते हैं कि बड़े भाई ने यहां तक कह दिया था कि देखना तुम भागते हुए वापस आओगे। सलीम खान ने बताया कि वो घर से पैसे नहीं मांगना चाहते थे, इसीलिए खुद ही मेहनत शुरू की। रिपोर्ट के मुताबिक सलीम खान 24 साल की उम्र में सलमान खान से मिले थे। इस वक्त सलमान खान की वालदा की उम्र 17 वर्ष थी। तहम सलमान खान की फैमिली की तरफ से इन पर वालदेन की पसंद की शादी करने या अपनी पसंद बताने पर जोर डाला जा रहा था, जिसके बाद 1964 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए और एक साल बाद 1965 में सलमान खान की पैदाइश हुई। शादी के शुरुआती साल के हवाले से सलमान खान का कहना था कि थोड़े से पैसों या नौकरी की परेशानी तो होती थी, लेकिन क्या हुआ कैसे होगा। सलमान खान के वालिद ने एतराफ करते हुए कहा कि चूंकि मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने हर चीज कबूल की, सिगरेट और कपड़ों के इश्तिहार किए, जो भी मेरे रास्ते में आया इनकार नहीं किया। तमाम सलीम खान की अदाकारा हेलन से दूसरी शादी पर सलमान खान और इनके बच्चों के लिए मुश्किल जरूर खड़ी हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अदाकार अरबाज खान ने बताया कि इनके वालदा ने भी इन्हें दूसरी वालदा हेलन के खिलाफ नहीं उकसाया। अदाकार ने मजीद बताया कि इनकी वालदा ने वालिद के दूसरी शादी करने पर इन्हें भी बुरा भला कहने से रोका। मेरी वालदा मुश्किल में थी, तहम इन्होंने इसका हम पर असर नहीं होने दिया।